₹100 का काम किया, ₹102 का काम किया, ₹103 का काम किया, ये ट्रेडिशनल बिजनेस में चलता है। जब आपका कोई प्रोडक्ट इनोवेटिव है, डिफरेंस है मार्केट में, एक मतलब डिस्क्रिप्शन रहा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम बोला उबर मतलब पेटीएम डिस्क्रिप्शन था इन देयर सर्विसेस, ये सारे डिस्क्रिप्शन थे, ये इन्होंने मतलब मार्केट में आए तो लोगों के लिए कार की नीड खत्म कर दी थी। कार्स का सेल जाके स्टडी करो, कार्स के सेल डाउन हो गए। ये वापस कोविड ने ना उनको बूस्टअप दिया कि कोविड का लोग फिर से कोविड में खरीदना शुरू किया ड्यू टू दैट एटमोस्फेयर कि हम एक दूसरे से दूर रहना चाहिए, तो लोग कार खरीदना दोबारा शुरू कर चुके थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना कम हो चुका था कोविड ड्यू टू कोविड दैट हैपेंड। बट मोस्ट ऑफ द मतलब आप हर कंपनी का कार सेल देखो, आप पाओगे कि ओला एंड उबर के लॉन्च के बाद देयर वाज अ फॉल इन द एनालिसिस को, इट विल बी द केस स्टडी इन योर केस। आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो, आप केस स्टडी कर सकते हो कि कैसे इंपैक्ट आया था, या अगर जो कोई डिसरप्टिव सर्विस आती है मार्केट में तो बिजनेस कितना ग्रो करता है और साइड इफेक्ट कहां जाता है। तो साइड इफेक्ट वाज ऑन द कार इंडस्ट्री सेल्स पे था, जब कोविड आया वहां पे भी साइड इफेक्ट कोविड का, कार्स की सेल राइज करी थी, साथ में जो सेकेंड हैंड कार्स कार 24 कार 30 मतलब जितने भी कार्स ट्रेड लाइक दैट जितनी भी कंपनी है यूज्ड कार वाली, सबका ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ा था। और इवन आज भी उसका इंपैक्ट है कि सेकेंड हैंड यूज्ड कार का वैल्यू हायर साइड जा रहा है। न्यू मार्केट देश में सर इस टाइम न्यू ये सीजन होता है, दैट देयर इज वन थिंग। आज सुबह ये कुछ बात इसी मुद्दे पे हुई थी, सॉरी तो ये जो अभी मार्केट जो ये अगस्त सितंबर होता है ना, दिसंबर में फेस्टिवल, ये दशहरा के बाद ये ऑलवेज विजयदशमी के बाद ये राइज करता है, ये ऑलवेज है, ये सीजनल है। और अभी कार पे ऑफर होता है, अभी जाके आप जाओगे तो अभी कार किसी को बुक करना हो, किसी ने मुझे आई एम एक्सप्लोरिंग फॉर माई कार, तो किसी ने मुझे सुबह ही सजेस्ट किया कि अभी ले लो, दिवाली की जान मत लो, 2-2.5 लाख महंगा पड़ेगा। सो अभी जो सीजन है, चलिए ठीक है, बट इट इज फिट टाइम। तो ये इम्पैक्ट होता है कार के मार्केट, मतलब ये हमेशा जब आप कोई इनोवेशन करते हो कोई चीज, जैसे इंडियन मार्केट में एमजी हेक्टर या फिर वो नहीं, उसके दो तीन कंपनी आए थे, उनके इनोवेशन जो थे उन्होंने इंडियन कार पे इम्पैक्ट डाला। देन देयर कम्स टाटा ने भी अपने बिजनेस मॉडल को चेंज किया, और टाटा के डिजाइन कॉन्सेप्ट में भी चेंज आया ड्यू टू जगुआर, उन्होंने जगुआर को एक्वायर किया एंड देयर डिजाइन सिस्टम डेवलप, डिजाइन एंड आरएनडी चेंज हुआ। अभी टाटा की जितनी कार देखो दे आर एडवांस, महिंद्रा ने भी कॉम्पिटिटिवली अपने आप को एडवांस किया। सो ड्यू टू द 2-3 कंपनीज जैसे वो एक किया एंड एमजी हेक्टर जब साथ में लगभग मार्केट में आए थे इंडियन मार्केट में। हमारे यहाँ फंड लेना आसान है, आईआईटी दिल्ली में जाके फंड लेना टफ है, बट स्टार्टअप आईआईटी दिल्ली जाना चाहिए, क्योंकि कुछ स्टार्टअप को क्या चाहिए, क्रेडिबिलिटी, कुछ स्टार्टअप को क्रेडिबिलिटी चाहिए। गाजियाबाद में भी 3-4 इंक्यूबेटर, पर टीबीआई का आईट आना चाहते हो, नोएडा और गाजियाबाद में भी टीबीआई का आईट लोग आना चाहते हो, मेरठ गाजियाबाद मतलब इधर 3-4 डिस्ट्रिक्ट में जो अपना रीजन है उसमें एनसीआर में टीबीआई का आईटी इंक्यूबेट होना चाहते, क्यों, क्योंकि क्रेडिबिलिटी वो एक नेशनल लेवल की क्रेडिबिलिटी है जो कि और अदर इंक्यूबेटर में और भी सारे इंस्टीट्यूट अपने कॉलेज में इंक्यूबेटर स्टेबलाइज करता है, तो क्रेडेंशियल मैटर करता है, और हमसे भी बेटर आईआईटी दिल्ली का निकले क्रेडिबिलिटी, तो वो चीजें आपको मिलती है। साथ में एक्सेस टू कैपिटल फंड्स के बारे में बात करते हैं, इंक्यूबेटर करता क्या क्या, तो आपकी ट्रेनिंग करता है और आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग करता है, नंबर ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रन करता है, कोहर्ट रन कर सकता है, उसके अंदर मार्केटिंग के प्रोग्राम्स, फाइनेंस के प्रोग्राम, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के प्रोग्राम, और इसमें आपकी कैपेसिटी है स्टार्टअप की, स्टार्टअप को उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कराता है और स्टार्टअप की कैपेसिटी बिल्ड करता है, उनके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करता है। प्री इंक्यूबेशन एक्टिविटीज में आपके आइडिया जो मैंने बोला, मेंटरिंग करना, आपके आइडिया को मैच्योर कराना, लैब लेवल तक वैलिडेट करा देना, प्री इंक्यूबेशन करना। इंक्यूबेशन में स्टार्टअप डेवलपमेंट में क्या होता है कि आपका लैब लेवल पे जो आइडिया वैलिडेट हो चुका है उसको फंडिंग करना और मार्केट लेवल के प्रोडक्ट को डेवलप करवा देना,
ठीक है, फंडिंग डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से आता है वो अलग बात है, और उसके बाद उसको मार्केट तक ले जाना, और मार्केट तक जब ले जाना है तो फिर एंटरप्राइज डेवलपमेंट यानी कि स्टार्टअप से एंटरप्रेन्योर बनाने की जर्नी शुरू होती है। स्टार्टअप तक तो कहानी ये होती बच्चा जो है टीनेजर है, टीनेजर है, और इंटरप्राइज का मतलब हो गया कि वो मैच्योर हो चुका है। मैच्योर होने का मतलब है वो अब लोन ले सकता है, डिवेंचर फॉर्म में जा सकता है, इन्वेस्टमेंट उठा सकता है, तो वहां पे भी इंक्यूबेटर आपकी मदद करता है। उसके अलावा इंक्यूबेटर अपने सस्टेनेंस के लिए और बहुत कुछ काम कर सकता है, जो कि हम लोग करते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड अवेयरनेस और आउटरीच प्रोग्राम कराना, कॉर्पोरेट्स के लिए काम करना, CSR फंड को एग्रीगेट करना, मैनेज करना, तो ये इंक्यूबेटर अपने सस्टेनेंस के लिए, ये बाकी लास्ट की दो एक्टिविटी जो है इंक्यूबेटर अपने सस्टेनेंस के लिए करता है। अगर जो यहाँ से चलेंगे तो यहाँ से यहाँ तक इंक्यूबेटर ये जो फुल्ली डेडिकेटेड स्टार्टअप के लिए काम करता है। अब आते हैं फंडिंग पे, ये स्लाइड मैंने स्पेशली डाला आपको बताऊं कि कहां कहां से फंडिंग मिलती है, बट थ्रू इंक्यूबेटर, डायरेक्ट कहीं नहीं, डायरेक्ट ऐसा कोई एप्लीकेशन नहीं है जहां पे आप डालोगे और आपको पैसा मिल जाएगा, ये कोई लोन नहीं है। स्टार्टअप फंडिंग फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल लेते हैं Nidhi SSS, Nidhi SSS जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का स्कीम है, जिसके अंदर इनोवेटिव स्टार्टअप को 1 crore तक का 100 lakhs का इन्वेस्टमेंट फंड, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, और एक इंक्यूबेटर 10 स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर सकता है, 10 crore तक की लिमिट टोटल फंडिंग जो हमारे पास होगी। दूसरा है DST Nidhi EIR, इसमें 30,000 पर मंथ 1 year के लिए मिलता है, मतलब that is like fellowship। अभी मान लो आप यहाँ पे नेट क्वालिफाई करके आते हैं MBA करने, या यहाँ भी गेट होता है नेट ओपन MBA के लिए, तो कैट में स्कॉलरशिप नहीं मिलता, कैट में स्कॉलरशिप नहीं मिलता, वो तो बस है एडमिशन टेस्ट, नेट और गेट जो होता है वो एडमिशन कम है स्कॉलरशिप टेस्ट, तो गेट जैसे इंजीनियरिंग में गेट होता है, टेक्निकल या साइंस टेक्निकल साइड में गेट होता है, और नॉन टेक्निकल में नेट, नेट क्वालिफाई करके कोई MBA करेगा या PhD करेगा तो उसे स्कॉलरशिप मिलेगा, जबकि कैट मैट जेट में ऐसा नहीं। और गेट जो होता है गेट M.Tech के लिए, तो यहाँ पे उसी तरह आप अगर जो ग्रेजुएट होने के बाद साइंस या टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएट हो, थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएट हो तो देयर विल बी अ फंडिंग सपोर्ट ऑफ 30,000 पर मंथ फॉर अ ईयर, फॉर अ ईयर एज अ फेलोशिप। उसके बाद निधि प्रयास में अगर जो आपके पास इनोवेटिव प्रोडक्ट है, कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो प्रोटोटाइपिंग ग्रांट के लिए 10 lakh rupees, और ये नहीं कि केवल ये बताने के लिए है या फिर आप बोलो ये कहीं होता होगा, ऐसा नहीं है। इंडिया में 57 सेंटर्स हैं जहां पे निधि प्रयास इंक्यूबेटर है, जहां पे निधि प्रयास का फंड दिया जाता है, और हर इंक्यूबेटर को अराउंड 50 startups को फंड करने का बजट एलोकेट किया जाता है। हमने लगभग 63 स्टार्टअप को ये बजट एलोकेट किया है गाजियाबाद, 63 स्टार्टअप को निधि आईआर इज आल्सो 60+। ऐसा नहीं कि मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते ना कि जैसे बहुत सारी स्कीम सरकारी स्कीम पैसे दिखे ना कागज पे हो, ऐसा नहीं, कागज पे नहीं है, ये सारी चीजें फिल्म में है, और ये मैं अपनी अपने सेंटर की बात कर रहा हूँ, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ग्लोबल, मतलब पूरे इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ पॉलिसी को लेकर, I am talking about the only policy which is working in Ghaziabad, ताकि आपको कोई वेग ना लगे, genuine चीजें, मतलब ये कोई government का plan तो है नहीं। So इसके अंदर 10 lakh का तक मिलता है, mid tier startup hub में 4 lakh से 40 lakh तक का support। इधर मेरे पास आए थोड़े बड़ा समस्ती, and the chair, individuals with my features being they meeting at dinner, including Scott, and it's in a body out of a human meter. ठीक है, स्टार्टअप हब में 4 lakh से 40 lakh तक का ग्रांट मिलता है, 4 lakh, 7 lakh और 40 lakh, 3 तरह की कैटेगरी है, जो की प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये इसमें सर्विस भी IT सर्विसेज को भी सपोर्ट करता है। MSME में 15 lakh तक का फंडिंग सपोर्ट मिलता है एक इनोवेटिव स्टार्टअप को, और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में 40 lakh का,
देन स्टार्टिंग यूपी, जो जो आप लोग यूपी के रेजिडेंस हो या फिर यूपी में अपनी कंपनी रजिस्टर करवाते हो, तो इसमें जो फंडिंग सपोर्ट है वो तीन तरह का है। प्रोटोटाइप के लिए 5 लाख रुपए है, मार्केटिंग सॉरी उससे प्रोटोटाइप से भी पहले जो आपने अपनी कंपनी रजिस्टर कर ली, आइडिया जो आपका लैब लेवल का ही है बस, तो 17,000 per month का आपको फेलोशिप ग्रांट मिलेगा। सस्टेनेंस अलाउंस करते हैं उसको, जैसा कि निधि आईआर में 30,000 था वो भारत सरकार की तरफ से था, ये उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 17,000 रुपए per month का एक साल के लिए आपको सस्टेनेंस अलाउंस मिलेगा। एक कैटेगरी ये है इसमें। दूसरा कैटेगरी है अगर जो आपका कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट बना रहे हो, सर्विस बना रहे हो, तो देन यू विल बी गेटिंग फंडिंग ऑफ ₹5 लाख टू डेवलप योर प्रोडक्ट और सर्विस। एंड थर्ड वन, अगर जो आप प्रोडक्ट बन गया है अब मार्केट में बेचने की तैयारी कर रहे हो, देन दे यू विल बी गोइंग टू गेट अ फंडिंग सपोर्ट ऑफ 7.5 लाख। अब 7 पॉइंट इस वाले केस में क्या है, 7.5 लाख में आप वुमेन के लिए 50% एक्स्ट्रा है, यानी कि 7.5 लाख प्लस 50% ऑफ 7.5 लाख। और ईस्टर्नी यूपी बुंदेलखंड रीजन में कोई रजिस्टर्ड कंपनी है तो उसके लिए भी 50% एक्स्ट्रा है, ये गवर्नमेंट ऑफ यूपी का। देयर कम्स द आईडेक्स, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का प्रोग्राम है और इसमें इंडिया में केवल 27 इंक्यूबेटर्स है। मोस्ट ऑफ द IITs यूपी में भी 2 ही इंक्यूबेटर है, IIT कानपुर और TBI का ही, और इसमें 50 करोड़ तक का विराट। और मैं एक स्टार्टअप को जानता हूँ जिसको हमारे यहाँ मिला है, और यूपी की अपनी गाजियाबाद की ही लड़की है और काइट की ही एल्यूमिनस भी है, रेणी बंसल, उसको 1.5 करोड़ का मैपिंग ग्रांट, मगर इसमें 50 करोड़ तक का मैपिंग ग्रांट है। अगर जो आप डिफेंस के किसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करते हो, कंपनी कॉमर्शलाइज करते हो, तो 50 करोड़ तक का मैपिंग ग्रांट है। और साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आपको अपना बिजनेस पार्टनर बनाती, मतलब वेंडर बनाती है और आपके प्रोडक्ट्स को खरीदती है, क्योंकि डिफेंस का कोई भी चीज खरीद बनाओगे तो कौन खरीदेगा, कस्टमर तो सिस्टम ही होगा ना, गवर्नमेंट ही होगा, तो वो बिजनेस यहाँ पे मिलता। स्टार्टअप इंडिया में हमारे पास अभी रिसेंटली इसका फंड आया है अराउंड 5.25 crore का, और इसके अंदर 20 लाख तक का ग्रांट मिलता है और 50 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट या डिवेंचर इसमें लगभग। और मैं दो एग्जांपल आपके सामने है मेरे पास, क्योंकि ये दो पार्टनर्स हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा। और स्टार्टअप इकोसिस्टम में फंड करने के लिए 2011 से ही महिंद्रा एंड महिंद्रा TBI गाइड को CSR फंड दे रहे, तो मुझे लगा बैकड्रॉप में कॉल आ रहा है, तो महिंद्रा वाली हमारी टीम जो महिंद्रा का काम देखती है उसका इस साल का भी फंड आने वाला होगा या आ गया होगा अभी, इसलिए कॉल आ रहा है। तो मैं तीसरा HDFC बैंक भी अपने CSR फंड को HDFC परिवर्तन ग्रांट के नाम से चलाती है, वो भी CSR के तौर पे स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट फंड देती है CSR के तौर पे, यानी कि इट्स सपोर्ट टू सोसाइटी। तो इस तरह से देखो इतना चीज तो एक मैं साधारण सा एक प्राइवेट कॉलेज में प्रमोटेड इंक्यूबेटर वहां से बता, आप सोचो IITs में कितना कुछ हो। सो लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल विद द इंक्यूबेटर। यहाँ से आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा बट एक्सेलरेटर के बारे में बताता हूँ, समराइज कर क्योंकि सेशन टाइमिंग। हाँ ठीक है, मैं आई विल टेक 10 मिनट या मोर, 5 मिनट सर, 5 मिनट्स तो वही बात। थैंक यू सर। एक्सेलरेटर कौन होता है, जब स्टार्टअप मैच्योर हो गया हो अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस में और वो आगे बढ़ना चाहता हो, पार्टिकुलर डोमेन में उसे सपोर्ट चाहिए हो, मेंटरशिप चाहिए हो, चाहता हो, और फिर मार्केट से फंड रेज करना हो, इन्वेस्टर फंड रेज करना हो, तो वहाँ पे एक्सेलरेटर प्रोग्राम क्यूरेट होते हैं। एक्सेलरेटर कोई अलग से कोई बॉडी या टर्म नहीं है, इंक्यूबेटर का एक एड ऑन फीचर है, एडवांस फीचर है। इंक्यूबेटर जब मैच्योर होके एक मैच्योरिटी को अटेंड करते और स्टार्टअप को ट्रेंड करने लगे पार्टिकुलर सेक्टर, मतलब सेक्टर आइडेंटिफाई करके डीप टेक्नोलॉजी पे, डेडिकेटेड टेक्नोलॉजी पे ट्रेंड करे और उनको कमर्शियल फंड रेज करने में, कमर्शलाइज करने में और स्केल करने में मल्टीपल एक्स टाइम में ग्रो सपोर्ट प्रोवाइड करे, एनर्जी प्रोवाइड करे,
देन देयर कम्स, उसको हम एक्सीलरेटर कहते हैं, या दैट इज दैट डिफाइंड प्रोग्राम इज कॉल्ड एक्सीलरेटर। और इतना ही है, ऐसा कुछ खास नहीं है, बहुत सारे मॉडल है और सक्सेस इसको ठीक है, इसको रहने देते हैं, ऐसा कुछ खास नहीं है। बट इंक्यूबेटर से निकले हुए बहुत सारे लोग हैं, सारे हम इधर का एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, बाहर कहीं दुनिया का नहीं दिखा रहे, आपके आसपास का इस एरिया का। तो ये सारे सब लोग आसपास में, ये गाजियाबाद का ही लगता है, शार्क टैंक पे इसने फंड उठाया, ये भी हमारे यहाँ इंक्यूबेटेड है, शार्क टैंक पे इसने भी फंड उठाया था। एडू गोरिल्ला यूपी का सबसे बड़ा एमटेक कंपनी है, 100 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है, 2018 में इसने स्टार्ट किया। एबीसीडी एक लड़की है जो कि एडुटेक कंपनी चलाती है, स्टूडेंट साइंस के। सजार श्यामा इज देयर, सजार उसकी जो लीगल जो कॉर्पोरेट कंपनी, तो सजार को हमने फंड किया, तो सजार बहुत ग्रो कर रही है, बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। स्मार्ट सिटीज में लैन एआई की कंपनी है, इंडिया के 25 स्मार्ट सिटीज में इसके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कॉन्ट्रैक्ट उसके पास है स्मार्ट सिटीज के लिए, 25 स्मार्ट सिटीज के लिए। ड्रोन टेक ये भी अपने गाजियाबाद ही सेक्टर 62 में इसने फैक्ट्री भी लगा लिया ड्रोन का, और मतलब बहुत करोड़ में इसका बिजनेस हो चुका है। टी टाउन रोबोटिक्स नाम, यंग लगता है, तो हमारे यहाँ ही सपोर्टेड है, हम लोगों ने इनको 50 लाख का फंडिंग सपोर्ट दिया, 50 लाख हमने दिया था, 50 लाख IIT का। दिस वॉज द फंडिंग सपोर्ट दे रिसीव फ्रॉम द इंक्यूबेटर IIT रुड़की, और अभी करोड़ में बिजनेस कर रहे हैं।